देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी कलम के माध्यम से अलग जगाने वाले पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मभूमि खंडवा में वर्षों पूर्व कर्मवीर विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का यह विस्तार परिसर नए पत्रकारों की पौध खड़ी करता है। कर्मवीर विद्यापीठ से पत्रकारिता की पढ़ाई कर अनेक छात्र छात्राएं देश भर के मीडिया संस्थानों में काम कर रहे हैं, लेकिन वर्षों बाद भी खंडवा का यह संस्थान आज भी किराए के भवन में संचालित हो रहा है एवं स्वयं के भवन की राह देख रहा है। लेकिन अब शहर के लिए अच्छी खबर यह है कि यूनिवर्सिटी के नए कुलपति केजी सुरेश खंडवा पहुंचे और विश्वविद्यालय के नए भवन के लिए प्रयास शुरू किए हैं। उसका आधारशिला तो मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं कि इसी कार्यकाल में जो है खंडवा में जो है बेहतर परिसर ये ना क्या है वो हम देखेंगे और आज ही आज कुछ जगह देखने जा रहे हैं, आते ही मेरे एजेंडा में और देखना होगा कि लेकिन खंडवा ये अगर आप देखेंगे जो भी मुझे जानकारी है हमने सोचा ही विश्वविद्यालय के बारे में ही सोचा था कि वो यहाँ होने चाहिए। यहाँ हमने दो तीन फैसले किए हैं। मेरा सबसे पहला टारगेट है, देखिए बहुत ज़्यादा फैलाने में मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ जी, जो अपने हाथ में है यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का इस वक्त मेरे मुझसे अगर आप पूछेंगे कि क्या आप 10 और जगह खोलेंगे तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं, एक जगह भी और नहीं खोलेंगे, लेकिन जो खुला हुआ है उसको मजबूत करूँगा, उसको बेहतर करूँगा, ये मेरा हर जगह का पॉलिसी है। मेरा प्राथमिकता है कि अपना बिशनखेड़ी में जो भोपाल के बाहर जो कैंपस बन वो एक देश के बेहतरीन कैंप परिसरों में से एक है, ये पहला। दूसरा अपने रीवा और खंडवा यहाँ अपना पूरी तरह परिसर तैयार हो, रीवा में तो तैयार हो गया, अब खंडवा भी वहाँ भी हो जाएगा। शैक्षणिक स्तर वो कम से कम भोपाल के बराबर तो हो ही, इसके लिए हमने एक योजना सुनिश्चित किया है। पहली बार ये है कि हमने जो भी क्लास चल रहा है इंटीग्रेटेड क्लास कर रहे हैं, यानी कि खंडवा और रीवा और नोएडा ये तीनों परिसरों के बच्चे सीधे सीधे भोपाल से जुड़ रहे हैं ऑनलाइन। पहली बार 1600 के करीब हमारे जो एसोसिएटेड स्टडी सेंटर्स उसके 80,000 के करीब बच्चों को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ा। पहली बार उनको महसूस हुआ कि यूनिवर्सिटी में हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी इसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ये हमने उनको अपनापन महसूस ताकि उनको उसी स्तर का जो है। दूसरा जो फैसला लिया है, एक तो ऑनलाइन में तो इंटीग्रेटेड होगा, एक बार ऑनलाइन होता है तो हमने ये तय कर रखा है कि हर सप्ताह एक संकाय सदस्य एक फैकल्टी मेंबर भोपाल से रीवा और खंडवा ये दोनों परिसर विजिट करें। हमारे यहाँ 40 संकाय सदस्य दोनों कैंपस में एक वर्ष में 56 हफ्ते होते हैं, बाकी तो छुट्टियों में निकल जाते हैं। 40 हफ्ते अगर संकाय सदस्य रोटेशन में आ गए तो मेरे यहाँ के बच्चों को भी उसी स्तर का जो है एजुकेशन को लेकर जो है तो हमने ये तय किया है कि यहाँ नए पाठ्यक्रम भी शुरू। मैं तो चाहूँगा कुलपति की इच्छा है कि महाविद्यालय फिल्म पत्रकारिता से जुड़ा एक विशेष कोर्स स्टार्ट करे और इसका आरंभ खंडवा से हो, क्योंकि यह महान कलाकार किशोर कुमार की भूमि है और देश भर से आए छात्र छात्राएं यहां पर फिल्म पत्रकारिता की पढ़ाई करें। यहां से हम शुरू कर सकते हैं जो सिर्फ यहां प्रोवाइड किया जाए ताकि हम उनको भोपाल और रीवा का विकल्प भी ना दें। जो बच्चे फिल्म स्टडीज करना चाह रहे हैं उनको यहीं आना, इस तरीके से एक अनोखा केंद्र बन जाएगा परिसर जी। पहले वही बात आती है कि वैसा वेल मेंटेन परिसर, बिल्कुल ये मैंने कहा ना परिसर तो प्रायोरिटी में है, जमीन भी दिया जाएगा और हम उसमें ऐसा कोर्स ना हो कि जो सिर्फ भोपाल में भी चलता है। तो क्या है कि हमने ये देखा है कि बच्चों का पहला प्रेफरेंस है भोपाल का। हाँ, ये नए कोर्स अगर डेवलपमेंट तो हम कहेंगे कि अगर ये कोर्स करना है फिल्म स्टडीज करना है तो फिल्म स्टडीज तो आपको करने के लिए यही आना पड़ेगा।
और संकाय सदस्य भी जो इधर आके बसने के लिए तैयार है उन्हीं को नियुक्त करेंगे। सर इसका मतलब ये है ना कि बीच में से चर्चाएं चल रही थी कि शायद हो सकता है खंडवा कैंपस भी बंद किया जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से, या इस तरह के बीच में काफी ऐसा कहीं कोई इरादा नहीं है। सर हमारे साथ क्या हुआ कि हम पॉलिटिक्स हो गई थी लास्ट टाइम, क्या हुआ कि आपको परिसर के लिए जगह मिल रही, सब कुछ हो रहा, माननीय मंत्री जी उसको उठाकर अपने क्षेत्र में ले गए, तो कोई पॉलिटिक्स नहीं हो जाए तो एक परिसर में बाकी तो आप लोगों का दबाव भी तो चलता है ना। आप मत जाए पहला भारत का पहला पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन फोर्स है ना, इसको आप कहेंगे जन स्वास्थ्य है ना, या सार्वजनिक स्वास्थ्य या जन स्वास्थ्य कोर्स, यानी लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य कोर्स पाठ्यक्रम, ये भारत का पहला हमने डिजाइन किया। मैं बहुत पहले WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का पोलियो कम्युनिकेशन रेडियो कार्यक्रम में मैंने वहाँ ये पाया कि जो हमारे जो रिपोर्टर खासकर छोटे शहरों में जिला स्तर पे तहसील स्तर पे काम करते हैं और राजधानियों में, उनको हेल्थ के बारे में जानकारी कम, वो राजनीति के बारे में जानते हैं, कई और विषयों अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं, लेकिन इस विषय के बारे में जानकारी कम और जानकारी का अभाव है। क्यों? क्योंकि पोलियो में एक पोलियो जैसा एक बीमारी है जिसका नाम है AFP, इसको हम कहते हैं एक्यूट फ्लैसिक पैरालिसिस, उसके जो सिम्टम है वो पोलियो जैसे ही। अब पत्रकार अक्सर लिखता था एक और पोलियो का केस पाया गया, जबकि वो पोलियो नहीं होता क्योंकि जानकारी का अभाव। हमने तब कहा कि पत्रकारों को सेंसिटाइज करना, इस विषय को लेकर संवेदनशील बनाना, उनको प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला में NDA वहाँ डिफेंस करेस्पॉन्डेंस कोर्स चलता है, यानी कि जो रक्षा नीति को के बारे में लिखते हैं जिसके विशेषज्ञ, उनके लिए प्रशिक्षण कोर्स होता है। वो अगर आप जाएंगे कोई बॉर्डर एरिया में कैसा रिपोर्ट करना है, इस दौरान MCU के रजिस्ट्रार अविनाश वाजपेयी, कर्मवीर विद्यापीठ के प्रभारी प्राचार्य संदीप भट्ट भी साथ थे। अगर स्वयं का भवन कर्मवीर विद्यापीठ को मिल जाता है तो यह शहर के लिए एक सौगात के समान होगा। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।